नाइन्थ क्लास प्रश्नावली 2.5 का आठवां प्रश्न देखो। 8a³ 3 प्लस b³ 3 प्लस 12a² b प्लस 6ab² तो इनके हमें क्या करनी है, इनके हमें गुणनखंड करने हैं, प्रत्येक के गुणनखंड कीजिए, ठीक है, फैक्टर के रूप में बांटना है इनको। तो अब देखो 8 किसका घन होता है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2a³ 3 प्लस b³ 3। इन दोनों में से देखो 6 दोनों में कॉमन है, 6ab दोनों में से ले लो, यहाँ क्या बचा 2a और यहाँ क्या बचा b, इस रूप में हमने इसको लिख लिया, ठीक है। अब आपको ये सूत्र पता है x प्लस वाई का घन बराबर क्या होता है, x³ प्लस y³ प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। अब इसमें देखो इसकी तुलना करो, x³ का घन किसका है, 2a³ प्लस b³ प्लस 6ab, तो 6ab को हमें क्या बनाना है, 3xy के रूप में, तो इसको हम कैसे तोड़ के लिख सकते हैं, 2a³ प्लस b³ प्लस 3 इंटू 6 को तोड़ लो, 2a लिख लेंगे हम, 2a प्लस बी और ब्रैकेट में 2a प्लस बी का घन, तो ये क्या हो गया, x की जगह कितना हो गया यहाँ पे 2a और y की जगह b, 2a प्लस बी का घन। बस अब इसको अगर हम खोलेंगे तो 2a का घन 8a³ 3 आ जाएगा प्लस b का घन प्लस 3 इंटू 2a इंटू बी, और इसको पूरा एक्सप्लेन करने पर इतना आता है, ऐसे करनी है ये वाले सवाल, गुणनखंड करने का मतलब यही हुआ। तो सेकंड वाला आप इसका अपने आप करोगे, देखो सेकंड ये है 8a³ 3 माइनस b³ 3 माइनस 12a² बी प्लस 6ab² इसे आप अपने आप करो, इसमें देखो इसमें माइनस वाला लगाएंगे हम 2a माइनस b का घन, ये वाला आप इसको अपने आप करोगे, ठीक है।